रात में गुसल फ़र्ज़ हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हम बिस्तरी की, बाद में सुस्ती की वजह से आँख या आँख देर से खुलने की वजह से गुसल किए बग़ैर सहरी करके रोज़ा रख लिया तो क्या रोज़ा ठीक हो गया? क्या सहरी करने रात को हम बिस्तरी करें और बग़ैर गुसल किए सो जाएं और जब सुबह उठें तो सहरी का टाइम ख़त्म होने को है, आपको गुसल करने का टाइम नहीं मिला, तो आप क्या ऐसे ही सहरी कर सकते हैं? यानी कि गुसल फ़र्ज होने के बाद आप सहरी कर सकते हैं या नहीं, इसके मतलब हमें बताएंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तो आइए देखते हैं आज का रिएक्शन मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये वाली वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया, उनका दिल से धन्यवाद। आइए देखते हैं ये वीडियो, लेट्स प्ले। रात में गुसल फ़र्ज़ हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हम बिस्तरी की, बाद में सुस्ती की वजह से आँख या आँख देर से खुलने की वजह से गुसल किए बग़ैर सहरी करके रोज़ा रख लिया तो क्या रोज़ा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुसल करना ज़रूरी है? राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी से। नहीं जी, बग़ैर गुसल किए भी आप सहरी खा सकते हैं। सहरी करने के बाद फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने से पहले पहले आप गुसल कर लें, क्योंकि नमाज कज़ा करना गुनाह कबीरा है। तो रोज़े का गुसल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, गुसल का ताल्लुक़ नमाज से है, रोज़े से नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया कि आप रोज़ा रख सकते हैं, सहरी कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर गुसल फ़र्ज हो गया है, लाजिम हो गया है। अगर आपने हम बिस्तरी किया रात को बीवी के साथ, आप हम बिस्तरी करते हैं और सुबह उठते हैं तो आपको वक़्त थोड़ा मिलता है कि हम सहरी करना चाहते हैं तो पहले गुसल कर लें, आपको लगता है कि सहरी का टाइम गुजर जाएगा तो फिर आप जल्दी से सहरी करें, सहरी करने के बाद आप गुसल कर लें, लेकिन फ़र्ज नमाज से पहले पहले आपने गुसल कर लेना है, फ़र्ज नमाज ज़रूर आपने पढ़नी है, तो यानी कि आप गुसल की हालत में सहरी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की सही समझ आ गई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।